Good morning and Jain student, welcome again. Now today we discuss class 7 chapter 1st on equality. In this video we discuss NCERT question of this chapter. Now your first question, in a democracy why is universal adult franchise important? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों इम्पोर्टेंट है? सो द आंसर इज इन अ डेमोक्रेसी द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. फर्स्ट रीजन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. बिकॉज डेमोक्रेसी कैसी गवर्नमेंट है? लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए चुनी हुई गवर्नमेंट है, इसलिए वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट है. सेकेंडली, एवरी एडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, सेक्स, द रिच और पुअर बैकग्राउंड इज अलाउड टू वोट एंड दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. मीन्स सभी, जितने भी कंट्री के जितने भी एडल्ट होंगे, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, चाहे उनका कोई भी जेंडर हो, चाहे वो किसी इकोनॉमिक कोई भी प्रॉब्लम हो, मीन्स रिच हो पुअर हो, कैसे भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, सभी को वोटिंग अलाउ होगी एंड दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है. नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? इक्वलिटी. बिकॉज जितने भी एडल्ट है उनको किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा, कास्ट, रीजन के बेस पे, तो सभी इक्वल है इसके अकॉर्डिंग. एंड इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज इक्वल. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का भी क्या बेस होता है? सभी को इक्वल ट्रीट करा जाएगा, किसी को भी किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट टू वेज इन विच दिस आर्टिकल एड्रेस इनइक्वलिटी. दिस आर्टिकल एड्रेस इनइक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ एसेस टू द शॉप, पब्लिक्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रेस्टोरेंट मेंटेन होली और पार्टी आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक. इसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग कहा गया है अनटचेबिलिटी एपोलिस्ट, यानी अनटचेबिलिटी क्या है? वो गैर कानूनी है, वो अपराध है, क्राइम है. किस तरह से? जितने भी कंट्री के कोई भी जो भी लोग होंगे, चाहे वो किसी कास्ट, रीजन जेंडर से बिलोंग करते होंगे, सबके लिए, चाहे वो कोई भी शॉप, पब्लिक प्लेसेस होगा, रेस्टोरेंट्स होंगे, होटल्स होंगे, सबके लिए, कोई भी पब्लिक रिसोर्ट सबके लिए अवेलेबल होगा. यानी किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि उनको एंट्री नहीं दी जाएगी, इस कास्ट के लोगों को, इस कास्ट के लोगों को एंट्री दी जाएगी, ऐसा कहीं नहीं होगा. सबके साथ इक्वल ट्रीट होगा, यानी सबको अलाउ होगा वहाँ पर एंट्री करना. ऐसा किस लिए करेगा? बिकॉज लास्ट टाइम ऐसा होता था, कुछ सालों पहले ऐसा होता था कि जो भी शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब लोग होते थे उनको टेम्पल्स में या फिर वेल्स में या रिवर के पास एंट्री नहीं थी, जहाँ पे जनरल कास्ट के लोग रहते थे. तो इस तरह से इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस अनटचेबिलिटी को हटाया गया आर्टिकल 15 से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज. अभी जैसे आज हमने रीड करा था ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में और अंसारी के बारे में, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी किस तरह से सिमिलर थे, किस बेस पे थे? बिकॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस वाज सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारी इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज नॉट अलाउड टू सिट विद अदर स्टूडेंट ऑन द डेस्क और मैट्स. ओम प्रकाश वाल्मीकि को अलाउ नहीं था अदर स्टूडेंट्स के साथ बैठना मैट पर और डेस्क पे. अंसारी वाज नॉट गिवन अपार्टमेंट ऑन द रेंट इन द लोकेलिटी ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द हिंदू रिलीजन. और किस अंसारी को किस कोई भी अपार्टमेंट नहीं दे रहा था रेंट पे, बिकॉज वो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे. ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट. ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस बेस पर डिस्क्रिमिनेट किया गया? उनके कास्ट के बेस पे. और वही अंसारी को किस बेस पर डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा था? उनके रिलीजन के बेस पे. तो उन दोनों की जो सिचुएशन थी वो इस तरह से सिमिलर थी. ओके, नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक्स. थैंक यू. जय हिंद.